हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स की दुनिया में। साथियों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बतलाने वाला हूँ बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में इम्पोर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। साथियों, बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर MJPRU या फिर CCSU में आपको ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंटली मिल सकते हैं। पहला लॉन्ग क्वेश्चन है, व्यवसाय से आप क्या समझते हैं और व्यावसायिक क्रियाओं का वर्गीकरण कीजिए। साथियों, इस क्वेश्चन की इम्पोर्टेंस इतनी है कि आप बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के किसी भी क्वेश्चन को याद करेंगे तो इस क्वेश्चन को समझना बहुत ज़रूरी होगा। दूसरा क्वेश्चन है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से आप क्या समझते हैं और इसकी प्रकृति का वर्णन कीजिए। साथियों, हमेशा याद रखिए, जिस सब्जेक्ट को आप पढ़ रहे हैं वो वाला क्वेश्चन तो आपको तैयार करना ही है। थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं, साझेदारी से आप क्या समझते हैं, इसके लक्षण बतलाइए। और फोर्थ नंबर का जो क्वेश्चन है, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, अनुकूलतम आकार से आप क्या समझते हैं, अनुकूलतम आकार को निर्धारित करने वाले तत्व समझाइए। साथियों, पाँचवें नंबर पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के रूप में आप देख सकते हैं, वेबर के औद्योगिक स्थानीयकरण सिद्धांत को स्पष्ट कीजिए तथा इसकी सीमाओं का उल्लेख कीजिए। क्लैरिफाई एक्सप्लेन वेबर्स इंडस्ट्रियल लोकलाइजेशन प्रिंसिपल एक्सप्लेन इट्स लिमिटेशंस आल्सो। साथियों, थर्ड क्वेश्चन में अगर हम बात करें तो पहला क्वेश्चन बनता है, निजी कंपनी तथा सार्वजनिक कंपनी में क्या अंतर होता है। बार बार रिपीट कर रहा हूँ, एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि बेवर के औद्योगिक स्थानीयकरण का जो क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट हो सकता है। और शॉर्ट क्वेश्चन में दूसरे नंबर पर जो क्वेश्चन है, व्यापार के प्रकार बतलाइए, यानी कि एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ ट्रेड। थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, व्यवसाय तथा वाणिज्य में क्या अंतर है, व्यवसाय तथा पेशे में क्या अंतर है, व्यावसायिक इकाई के विभिन्न रूपों को समझाइए। और सिक्स नंबर पर जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, विवेकीकरण तथा राष्ट्रीयकरण में अंतर बतलाइए। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि ये क्वेश्चन तो आप तैयार करें ही, लेकिन ये आपको एश्योरिटी नहीं देंगे कि आपको यही क्वेश्चन एग्जाम में मिल सकते हैं। आप इन क्वेश्चनों को तैयार करके अपना 60-70% सिलेबस कवर अप कर सकते हैं और एग्ज़ाम में किसी भी क्वेश्चन को बड़े आसानी से लिख सकते हैं। यह वीडियो आपके लिए एक हेल्पफुल टिप्स के रूप में आप देख सकते हैं। चैनल आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि आप हमारे चैनल्स पर नए हैं तो अपने फ्रेंड के साथ भी इसे शेयर करें।